हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी जो है डिस्कवर बाय हेनरी बैक्यूरेल। तो हेनरी बैक्यूरेल ने इसको डिस्कवर किया है 1896 में। रेडियो एक्टिविटी है क्या, उसको हम अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी की, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीआरटी केवीएस। और ये आपको वीडियो जो है आपका साइंस टीजीटी के लिए भी हेल्प करेगा। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेडियो एक्टिविटी क्या है, हमने अभी तक एटम्स के बारे में स्टडी किया है। एटम्स जो कि जिसके थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्टिकल्स, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एटम्स किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम में जब वो अपने न्यूक्लियस से किसी भी स्मॉल पार्टिकल को लूज़ करता है, इफ़ द ऑब्जेक्ट लूज एनी ऑफ दी स्मॉल पार्टिकल्स, एनी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाई एनर्जी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड मेक्स एन ऑब्जेक्ट रेडियो एक्टिव। तो जब भी वो अपने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन्स को, किसी भी पार्टिकल को लूज करता है, खो देता है, तो उससे जो है हाई एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो हाई एनर्जी वेव्स जो है उसे रेडियो एक्टिव बनाती हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, रेडियो एक्टिविटी इज़ देयर व्हेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन ऑब्जेक्ट इमिट एनर्जी एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो दोनों चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, एक तो स्मॉलर पार्टिकल एज वेल एज इट एमिट्स द एनर्जी। तो इमिट एनर्जी एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो सिंपली हम ये कहेंगे कि एक न्यूक्लियर फेनोमेना है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक न्यूक्लियर फेनोमेना है जिसमें कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस, इन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस देर इज़ अ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि वो इमिशन ऑफ पार्टिकल अपने आप हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्योंकि वो न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है। तो जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस में जब देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो हम उसे कहेंगे कि रेडियो एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, बिकॉज दैट न्यूक्लियस वांट टू बिकम स्टेबल। तो हमेशा रेडियो एक्टिविटी जो है वो किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस में होगी। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ओके, तो ये हो गया। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। रेडियो एक्टिविटी इज़ द पार्ट ऑफ नेचर। ऑल रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स इमिट रेडिएशन। जितने भी रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट होंगे, जब वो स्टेबल होने चाहेंगे तो वो दे विल एमिट द रेडिएशंस। वो रेडिएशन जो है हार्मफुल भी हो सकती हैं, हार्मफुल होती हैं। ठीक है, रेडिएशन जो है हार्मफुल भी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडिएशन हार्मफुल ही होती हैं, वो कहीं ना कहीं हम बहुत कम हार्मफुल भी होती हैं। तो किस वे में होंगी उसको हम बाद में करेंगे। तो हार्मफुल हो भी होती तो हैं, लेकिन नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, सो हर चीज़ में रेडिएशंस जो है वो होती हैं। जैसे कि हम अगर फ्रूट्स खा रहे हैं, तो अगर हम एक बनाना खा रहे हैं, तो अगर हम ये कहेंगे कि द बनाना इज़ फ्री फ्रॉम रेडिएशंस, तो ऐसा नहीं है। रेडिएशंस उसमें भी हैं, बट वो लेस हार्मफुल रेडिएशंस हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इज़ द रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ द न्यूक्लियस। तो रेडियो एक्टिविटी किस वजह से हो रही है, मीन्स न्यूक्लियस का डिके हो रहा है वो। ठीक है, तो डिके जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है, थ्री फॉर्म्स में होता है, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा बीटा डिके रेडिएशंस में। तो वो हम अभी बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज़ द रिजल्ट ऑफ द डिके ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई वहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो डिके हो रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ मेजर बाय द रेडियो एक्टिविटी को अगर हमें मेजर करना है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो नेम है जिससे हम उसको मेजर करते हैं, उसका नेम है गीगर काउंटर, जिसे गाइगर काउंटर भी प्रोनाउंस करते हैं, गीगर काउंटर भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूज टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो रेडियो एक्टिविटी के यूजेज हैं, बहुत सारे यूजेज हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिजीजेज हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए, उन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, फिर ट्रेसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिविटी को। और उसके साथ साथ जो है बहुत सारी रिसर्चेज हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ रेडियो एक्टिविटी कैन बी सीन इन थ्री फॉर्म्स। यू कैन सी द रेडियो एक्टिविटी इन थ्री फॉर्म्स, और रेडियो न्यूक्लियस डिके कैन बी सीन इन थ्री फॉर्म्स देयर। और हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि द डिके ऑफ न्यूक्लियस इज इन द अल्फा डिके, बीटा डिके और
कौन से पार्टिकल जो है जब न्यूक्लियस डिके हो रहा है तो कौन से पार्टिकल जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। तो अल्फा डिके जो है मीन्स जो पॉजिटिव पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, और वी कैन से दैट अल्फा डिके अकर्स व्हेन द न्यूक्लियस इजेक्ट्स द पॉजिटिव पार्टिकल्स, दैट इज़ अल्फा पार्टिकल्स, जिसे हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो देर इज़ एन एमिशन ऑफ द विच कंसिस्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है कि जब अल्फा डिके होता है तो अल्फा डिके में जो है न्यूक्लियस से जो है जैसे मान लो ये है यूरेनियम है 92-238 है इसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर जो है या एटॉमिक वेट जो है वो 238 है। तो यहाँ पे जब रेडियो एक्टिव या हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का डिके हो रहा है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इट इज़ डिक्रीजेज बाय 2 एंड द एटॉमिक वेट इज़ डिक्रीजेज बाय 4। सो एक नया एटम जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है थोरियम। तो यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड द एटॉमिक वेट इट डिक्रीजेस बाय 4 देन इट इज़ कॉल्ड अल्फा डिके, ठीक है। एंड देर इज़ एन एमिशन ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स दैट इज 2 एटम्स फ्रॉम द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर वेट इज़ डिक्रीजिंग बाय 4, ठीक है। तो इस जो ये वाला न्यूक्लियस है इसे हम कहते हैं यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, इसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस और इसे कहते हैं हम एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स जो इमिट हो रहे हैं। तो देर इज़ एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इन अल्फा डिके, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। इमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस क्यों हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ डिक्रीजिंग बाय 2 एंड एटॉमिक वेट इज़ डिक्रीजिंग बाय 4 एंड देर इज़ अ एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ओके 2 हीलियम 4। तो ये हो गया हमारा अल्फा डिके। बीटा डिके में जो है हम बात करेंगे कि बीटा डिके में क्या है, तो इट अकर्स इन मीन्स देयर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है इट विल इंक्रीज बाय 1, ठीक है। तो जब भी बीटा डिके होगा तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1 एंड देयर विल बी नो चेंज इन द एटॉमिक वेट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है इट विल इंक्रीज बाय 1 बट द एटॉमिक वेट विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द एटॉमिक वेट, ओके। देन गामा डिके में क्या होगा, गामा डिके में जो है देर इज़ नो चेंज, इट विल बी न्यूट्रल, इट इज़ न्यूट्रल, देर इज़ नो चेंज एंड देन फोटॉन्स विच हैव हाई एनर्जी आर एमिटेड, सो देर इज़ नो चेंज इन द केस ऑफ गामा डिके, ठीक है। तो न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। बीटा डिके में न्यूक्लियस में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो एटॉमिक नंबर जो है एक उससे में इंक्रीज होगा, और अल्फा डिके में जो है एमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस है, पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस जो है वहाँ पे एमिट हो रहा है तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक वेट इज डिक्रीजेस बाय 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, ठीक है। तो अगर हम इसको इन समरी अगर हम कहेंगे तो रेडियो एक्टिव डिके जो है इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेज एनर्जी बाय रेडिएशन। तो एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस जो है एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। और जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा उसे हम रेडियो एक्टिव कंसीडर करेंगे, जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा उसे हम रेडियो एक्टिव कंसीडर करेंगे क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फोटॉन्स। क्यों वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। तो हमेशा रेडियो एक्टिविटी जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में ही होगी, ठीक है। और जो 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिके होंगे रेडियो एक्टिविटी में वो होंगे अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके, ठीक है। एंड दे विल इन्वॉल्व द एमिटिंग ऑफ वन और मोर पार्टिकल्स और फोटोन, जिसे हम कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन जो हैं उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो डिफरेंट है, मीन्स कितना हार्मफुल है वो हमारे लिए। तो अल्फा बीटे एंड गामा, बीटा एंड गामा रेडिएशन जो हैं उनका पेनिट्रेशन पावर डिफरेंट है। जैसे कि हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल कैन बी ब्लॉक्ड बाय अ फ्यू पीस ऑफ पेपर। तो जो अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन होंगी उनको आप एक
पीस ऑफ पेपर से भी जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं. तो मीन्स उनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ही लेस है या लो है. बीटा पार्टिकल जो है दे कैन पास थ्रू द पेपर बट नॉट एल्यूमिनियम फॉइल. तो उनकी पावर जो है पेनिट्रेशन पावर मीन्स इतनी है कि हम उसको एक पेपर से तो नहीं रोक सकते बट दे विल नॉट एबल टू क्रॉस द एल्यूमिनियम फॉइल. तो इस तरह से हम इसके कंपेयर कर सकते हैं. गामा रेज जो है उनकी वो बहुत ही पावरफुल हैं, द मोस्ट पावरफुल, ठीक है, विच रिक्वायर्स द एनी कॉन्क्रीट और एनी लेड और हैवी शील्डिंग टू ब्लॉक देम. तो उनको ब्लॉक करने के लिए हमें एक हाई शील्ड चाहिए या हैवी शील्ड चाहिए, ठीक है, जो कि एक लेड भी हो सकता है या कोई भी कॉन्क्रीट हो सकता है, ठीक है. तो गामा रेडिएशन जो है या गामा रे जो है बहुत सारी जो हार्मफुल डिजीज़ हैं जैसे कि कैंसर तक जो है वो हमारे स्किन कैंसर या बॉडी में हमारे कैंसर जो डिजीज़ है वो इट मे बी ड्यू टू द गामा रेज या गामा रेज की हेल्प जो है हमारे अंदर कैंसर जो है वो क्रिएट कर सकता है. इस इतनी पावरफुल रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, ठीके? या फिर हमारे जो डीएनए है हमारे डीएनए तक को ये अफेक्ट कर सकता है, मींस उसमें चेंजेस ला सकता है गामा रेज. तो गामा रेज जो है दे आर द वेरी पावरफुल, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. मोस्टली जो है अगर आपसे पूछा जाए कि विच एटम इज रेडियो एक्टिव एटम, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एटम जो है जिनके भी एटॉमिक नंबर जो है 80 से अबव हैं, तो ऑल एटम्स विच हैव एटॉमिक नंबर अबव 80 आर रेडियो एक्टिव, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि बाकी जो लेस देन 80 हैं वो उनमें रेडियो एक्टिव नहीं है. कुछ एक वहाँ पे भी रेडियो एक्टिव हैं जिनमें जो जिनका एटॉमिक नंबर जो है लेस देन 80 है, ठीक है. तो वो हम फाइंड आउट करते हैं उनकी स्टेबिलिटी लाइन को चेक करके. तो स्टेबिलिटी लाइन को चेक करके हम बता सकते हैं कि दैट एटम इज़ रेडियो एक्टिव और नॉट, जो कि एक हायर उसमें हम थोड़ा सा आगे अगर लेवल में जाएंगे तो हम उनको उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए. तो आज के टॉपिक में हमने जो जो मेन चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए. तो बार बार मैं स्ट्रेस कर रही हूँ मेन द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी कि ये एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर में अकर करता है. रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिव डिके है इट अकर्स इन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर. क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है कोई एक उसमें एक्सेसिव मात्रा में होता है या उसकी क्वांटिटी जो है एक्सेसिव हो सकती है, जिसके कारण जो है जो बाइंडिंग एनर्जी जो होल्ड न्यूक्लियस को होल्ड करके रखती है वो कम पड़ सकती है और वो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो सकता है. तो वो स्टेबल होना चाहता है, उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए जो है वहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके होता है. और रेडियो एक्टिव डिके जो है थ्री फॉर्म्स में होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, बीटा इज़ नेगेटिव एंड गामा इज़ न्यूट्रल. तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब हम ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पेनिट्रेटिंग पावर इज, यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा की बात हो रही है. तो करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग पेनिट्रेटिंग पावर इज मींस उनकी इंक्रीजिंग पेनिट्रेटिंग पावर को अगर हम ऑर्डर में रखते हैं तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इज़ इट बीटा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा या फिर गामा बीटा अल्फ़ा? तो ये आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको पता ही चल गया होगा. यू कैन राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन मेडिसिन टू किल कैंसर सेल्स. तो बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो किसी न किसी वे में यूज़ किए जाते हैं. तो रेडियो आइसोटोप जो है मेडिसिन में कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? इज़ इट कोबाल्ट 60, इज़ यूरोनियम 238 और कार्बन 14? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है. ये मैंने आपको नहीं बताया है बट जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अगर आपको नहीं पता होगा मैं आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दूँगी. रेडियो एक्टिविटी मे बी डिटेक्टेड बाय डैश इंस्ट्रूमेंट. तो ये हमने डिस्कस किया है अभी. विच वन ऑफ दीज मेटल इज़ यूज एज अ शील्ड अगेंस्ट रेडियो एक्टिव इमिशंस. तो ये भी हमने डिस्कस किया है. वाट चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हेन इट अंडरगोज बीटा इमिशन. तो ये इमिशंस और डिके से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे पूछा गया है वाट चेंजेस अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हेन इट अंडरगोज बीटा इमिशन. बीटा इमिशन में जो है न्यूट्रॉन्स डिक्रीजेस बाय वन होगा, प्रोटॉन इज प्रोड्यूस्ड और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड. तो ये आपको बताना है, हमने
मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है आपको। तो ये है आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक जरूर देना, लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।